कैसी सुनसान गली पड़ी है देखिए। इस तरह से सब अपने घरों में कैद हैं, बाहर निकल के कोई एक दूसरे से बोलना भी नहीं चाह रहा है, इतना ज़्यादा कोरोना ने डरा दिया है सबको। ये देखिए बस ये दो बच्चियाँ खेल रही हैं अपने घर के बाहर, बड़ी खुशी सी लगती है इस तरह से देख के। देखा आपने कैसी हो रही है गली, और आज दो बच्चे खेल रहे हैं गली में, बड़ा अच्छा लगा देख के कि ये दोनों खेल रही हैं। उसकी मम्मी कह रही है कि दोनों की मम्मी ने ना बाहर निकाल दिया कि चलो खेल लो आज थोड़ा सा, तो दोनों खेल रही हैं बच्चियां बाहर। और बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ बड़ा बेकार है, बारिश की वजह से किचकिच हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत घिन आ रही है। पहले बारिश होती है ना तो वो बहुत गंदगी लाती है, तो वही सब भरा हुआ है यहाँ सब आसपास, पानी भर गया है जगह जगह। आजकल तो जरा सी बारिश हो और पानी भर जाता है। चलिए चलते हैं किचन में और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू को तल के। तो तलने के लिए मैंने गोभी आलू को आप देख ही रहे हैं कढ़ाई में डाल दिया है, और ये है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट कुचल के कराया है, और धनिया भी तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। और मैं इसको भून रही हूँ, भूनने के बाद ये ऐसा हो गया है, मैं इसे निकाल लूँगी। दूसरा घान डाल दिया है मैंने होने के लिए, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए, देखिए ये हो गया है तैयार। तो प्याज भूनूंगी मैं, और इसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसको मैं धीरे धीरे भूनकर मसाले को तैयार करूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी मिर्ची धनिया, और गरम मसाला तो उतारते समय डालती हूँ, तो हरा धनिया और गरम मसाला उतारते समय ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं, ये धनिया है मेरा, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसे भूनना शुरू करूँगी धीमी धीमी आंच पे। ये इस तरह से भुनता रहेगा मेरा मसाला। ये सब्जी पूड़ियों से तो खैर बहुत ही अच्छी लगती है, कचौड़ी बनाएं पूड़ी बनाएं उनसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप फुलके बनाओगे और चावल बनाओगे तो उससे भी बहुत अच्छी लगती है खुशक सब्जी। फुलके अगर घी लगा के इसके साथ खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा लगभग मसाला हो गया है तैयार, और मैंने अपना गोभी भून के रख लिया था, ये देखिए अब ये मैं इसमें डाले दे रही हूँ। तो गोभी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें गोभी डाल के इस तरह से इसको नमक डाल दिया है, और मैं मिक्स कर दूँगी, हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, पानी बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि गोभी आधे से ज़्यादा तो हो ही गया है। थोड़ी देर जब हम इसे मिक्स करके ढक देंगे तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा, ये देखिए। अब मैंने इसमें मिला दिया है अच्छे तरीके से सारा मसाला, और मैं इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, मेरा गोभी हो जाएगा तैयार। इस तरह से गोभी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए ये मैं मेरा गोभी तैयार हो गया है। देखिए शॉर्टकट में इसलिए दिखाना पड़ता ना, अगर ज़्यादा सब कुछ दिखाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, ये देखिए हरा धनिया डाल दिया है, और थोड़ी देर और स्लो आंच पे ऐसी होने दूँगी, और फिर फर्स्ट क्लास सा खाने के लिए टेस्टी टेस्टी गोभी हो जाएगा तैयार। कचौड़ियों से खाइए पूड़ियों से खाइए। अब इसमें ज़रा सा गर्म मसाला और ऐड करूँगी तो थोड़ा इसमें कालापन आ जाएगा, जो सब्ज़ी पीली पीली चमक रही है वो काली काली हो जाएगी, अच्छी लगती है, डार्क रंग आता तो बहुत अच्छा लगता है। और बनने के बाद देखिए ये इस तरह का तैयार हो गया है मेरा गोभी, ये देखिए। चलिए चलते हैं सिलाई करते हैं थोड़ी देर। पुरानी पैंट से बनाइए घर में थैले, जिनको झोले भी कहते हैं बैग, तो वो बनाने के लिए देखिए मैंने 16 इंच का पैंट का ही कपड़ा ले लिया है, और उस पर मैं सिलाई कर रही हूँ, और ये मैं ऊपर जो ऊपर की साइड आएगा उस साइड को सिल रही हूँ, किनारी बना रही हूँ। तो इस तरह से किनारे सिल रही हूँ, ये मशीन में सही नहीं आ रहा, देखिए कैमरा थोड़ा सा वो हो गया है। तो ये मैं इस पर अब सिलाई कर रही हूँ। पैंट का नीचे से 5 मैंने पूरा ले लिया था, उसका झोला बड़ा अच्छा बन रहा है, तो इसको मैं किनारे सिल के तैयार कर लूँगी, और इसमें बद्दियाँ लगा लूँगी और नीचे सिलाई मार दूँगी दोनों तरफ सिलाई करके। थोड़े ही 2 मिनट में ये झोला तैयार हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। आप लोग भी चाहें तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से झोला तैयार कर सकते हैं घर के बच्चे कपड़ों में से, 15-16 इंच का या 12 इंच का, जितना इंच का भी आप बनाना चाहें। और हम लोग इसमें जो वो लगाते हैं ना बद्दियाँ, जिनसे जिनको पकड़ते हैं
वो डोरियाँ भी बस 8 या 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए, बड़ी रखने से वो हाथ में सही पकड़ के नहीं आती हैं, तो 6 इंच की 8 इंच की होनी चाहिए। उसमें 1 इंच आप फालतू रख लीजिए डोरी में, तो उसको फिर जोड़ लीजिए। 1-1 इंच तो दोनों तरफ से चला जाता है ना, आधा आधा इंच किनारे पे जब हम उसे जोड़ते हैं तो कई सिलाई करनी पड़ती है उसमें चला जाता है। देखिए अब मैं कर रही हूँ सिलाई इस तरह से, जब सिल लेंगे ऊपर किनारी तो हम इसको दोहरा मोड़ लेंगे और एक बार और मोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है ये तनी लगाने का बैग में। तो इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लीजिए और निशान लगाने के बाद इस पर रख कर तनी या बद्दी जो कहते हैं उसको सिल लीजिए। जो डोरी होती है ना बैग में लगी हुई, उस डोरी को निशान लगाइए। यहाँ देखिए निशान लगा रही हूँ मैं, ये निशान लगाया मैंने और इसको इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे सिलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, इससे परेशानी नहीं होती है, बहुत सही है ये काम। तो इस तरह से अब इस पर रख कर तैयार कर लीजिए और सिलाई मार दीजिए। फिर उस पर सिलाई करते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सिलाई करें तो तनी पे, जिसको तनी बैक की डोरी जो होती है ना, बैक की डोरी पे जब आप सिलाई करें तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कम से कम 8-10 बार मशीन चलाएं। मशीन जितनी ज़्यादा चला देंगे उतना ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगा आपका बैग। बैग की डोरी टूट जाती है ना तो वो टूटेगी नहीं इस तरह से। और बैग की डोरी बनाने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से दोनों तरफ से किनारी मोड़िए, इस तरह से लीजिए, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी किनारी मोड़िए। थोड़ी थोड़ी किनारी मोड़ने के बाद ये इस तरह से इसको मशीन पर रख कर सिल दीजिए। ये देखिए, ये जब इसे इस तरह से सिल देंगे तो बहुत अच्छी डोरी तैयार हो जाएगी और इस डोरी को हम बैग में या किसी भी चीज़ में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इसको 7-8 इंच से ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा, नहीं तो डोरी बहुत बड़ी बन जाती है, वो बैग में सही नहीं रहती है। 6-7 इंच की डोरी बहुत सही रहती है बैग में, मुड़कर वो बिल्कुल सही आती है उसमें। तो ये मैंने इससे नाप भी लिया, देखिए आप लोगों को नाप के दिखा रही हूँ। 16-17 इंच का मेरा झोला है और इसमें 7 इंच की मैं डोरी लगा रही हूँ, जो आधा आधा इंच तो दोनों तरफ किनारे दबाने में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है तैयार सिल के, और इसको मैं इस पर कई सिलाई कर दूँगी और जो निशान है उस पर डोरियाँ रख के और सिल दूँगी इसको। तो ये झोला मेरा घर में पुराने बचे कपड़ों में से ही तैयार हो गया है। पेंट वगैरह जो ख़राब होती हैं किसी काम नहीं आती, तो उन्हें उनसे हम इस तरह से झोले वगैरह बना लेते हैं। ये मेरा झोला हो गया है तैयार, ये मैं दिखाती हूँ अब आपको, देखिए। और ये बहुत मजबूत भी है, देखिए पन्नियों का बहिष्कार तभी होगा ना पॉलीथीन का जब हम इस तरह से झोले बना के उसमें सामान लेंगे। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस तरह से झोले बना के उन्हें यूज़ कीजिए, पॉलीथीन को मत यूज़ कीजिए। ये देखिए हो गया तैयार। चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।